जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग झंडा है। पहली बार एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। अब मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को दो विधान, दो प्रधान, दो निशान समाप्त कर दिए हैं। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग झंडा है। पहली बार हमारे अध्यक्ष श्यामा प्रसाद जी ने कहा था कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और श्यामा प्रसाद जी ने इसके लिए अपनी जान दे दी थी। और आज मैं कह कर जाता हूं, अब मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को दो विधान, दो प्रधान, दो निशान समाप्त कर दिए हैं। समाप्त। और एनसी और राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को भाई? एनसी और राहुल बाबा कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे, कश्मीर का झंडा वापिस लाएंगे। मैं इस मंच पर से कह देता हूं चनेनी वालों, मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आप क्या, आपकी 3 पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापिस। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस एनसी पीडीपी ने ये पूरे जम्मू कश्मीर को आतंक में झोंकने का काम किया। 40-40 साल तक आतंकवाद चला, 40,000 लोग मारे गए। ये 35-40 साल में 3,000 दिन कर्फ्यू रहा, हर रोज ये पाक प्रेरित आतंकवादी बम धमाका और गोलियां चलाते थे। मोदी जी की सरकार आई, धारा 370 गई, ना पत्थरबाजी हो रही है, ना बम धमाके, ना गोलियां। और ये लोग एनसी पीडीपी कांग्रेस फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाना चाहते हैं। मैं बताकर जाता हूं, उमर अब्दुल्ला आपकी जो इच्छा हो, आतंकवाद को हम पाताल तक गहरा दफन कर ही दम लें। किसी की ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद फिर से आए। केंद्र में हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी।